हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये लॉन्ग शरक बताने जा रही हूँ कि ये कैसे बनता है। तो आज मैं इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। आप इसको पूरा देखिए, मिस मत कीजिए बीच बीच में, क्योंकि मैं फुल डिटेल बताने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप ज़रूर इसे देखिए और बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने ये शरक बनाया है या नहीं, क्योंकि मैं इस तरह का शरक बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, फिर मुझे कहीं मिला नहीं यूट्यूब पे। फिर मैंने एक रेडीमेड इस तरह का शरक देखा, तो उसे देख के मैंने है जो ये खुद ट्राई करके ये लॉन्ग शरक मैंने तैयार किया है। तो आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो ये बना है मीडियम साइज़ का, यानी कि इसकी जो लंबाई टोटल 38 इंच है और इसका जो बस्ट साइज़ है वो 36-38 इंच तक बड़े आराम से आएगा। तो आप इसे मेरे साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आगे मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे बनता है। और इसमें जो घेरे में फंदे हैं 120 फंदे हैं, मैं सॉरी आगे मैं 85 फंदे बताए, 85 बाजू में है और घेरे में है जो मेरे 120 फंदे आपने रखने हैं, यदि आपको ये लंबाई चाहिए 9 नंबर की सिलाइयों में। और यदि आपको ज़्यादा लंबाई चाहिए 40-42 तक, तो आप इसमें है जो 130 तक फंदे है जो रख सकते हैं। मेरी इसकी टोटल लंबाई है इसकी टोटल लंबाई 38 इंच है, और 38 इंच लंबाई 9 नंबर की सिलाई मैंने बनाया है और 3 प्लाई की वूल में ये बना है। तो आगे हम सीखते हैं कि ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप है जो बनता है। तो सबसे पहले आप अपनी लंबाई मेजर कर लीजिए कितना चाहिए आपको। तो चले हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपनी सिलाइयों में जितना लंबा हमें शरक बनाना है, हमें सबसे पहले फंदे डालने हैं लूज हाथ से। इसमें जो फंदे डलेंगे फ्रेंड, जो यहाँ से डलते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैंने इसमें रखे हैं 85 फंदे टोटल। तो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें फंदे रख सकते हैं। देखिए आपने फंदे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लूज हाथ से रखने हैं, क्योंकि हमने एक तरफ से है जो घर लगाने हैं और इधर हमने घर बंद करने हैं, क्योंकि ऐसे को बनता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें कोई डिजाइनर फंदे नहीं डालेंगे, बहुत सिंपल फंदे डालेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगी जब मैं बाजू में फंदे लगाऊँगी। तो आप इसको है जो बनाइए, ये जो मैंने पट्टी का पोर्शन बनाया 10 लाइन उल्टी उल्टी, फिर 10 सीधी, फिर 10 उल्टी, फिर है जो मैंने शॉर्ट रोज बनाई है। तो मैं आपको शॉर्ट रोज बनाना सिखाती हूँ, बाकी तो बिल्कुल प्लेन बना है, इसको सिखाने की तो क्या ज़रूरत है। तो मैं आगे आपको इसकी डिटेलिंग देती रहूँगी कि मैंने ये कितना बनाया। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टी, 10 सीधी, 10 उल्टी, फिर शॉर्ट रोज, फिर 10 उल्टी, 10 सीधी, फिर 10 उल्टी, फिर है जो ये देखिए शॉर्ट रोज, ये देखिए ये जो शॉर्ट रोज का जो ये है वाला पोर्शन है, ये है शॉर्ट रोज का, इस तरह से त्रिकोण आता है, ये शॉर्ट रोज, ये शॉर्ट रोज। आपने कितनी इसमें लीव्स बनानी है ये आपके घेरे पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा कितना चौड़ा घेरा चाहिए। तो मैंने इसमें टोटल बनाया है 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 शॉर्ट रोज वाला मैंने इसमें पेटल्स बनाई हैं, और बाकी है जो 10, 20 और 30 लाइयाँ, पहले 30 लाइयाँ, बाद में बीच में है जो मैंने ये पेटल बनाया। जिस तरह से शुरू होगा, तो सबसे पहले मैंने इसमें 82 फंदे रखे हैं, 82 फंदों में मेरे हैं जो 12 फंदे हैं इस बॉर्डर के। बॉर्डर में आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें 3 घर उल्टे, 1 है जो बिना बुना हुआ सीधा घर, 3 घर उल्टे, 1 बिना बुना हुआ, ये 12 घरों का है जो मेरा बॉर्डर है, दोनों तरफ से एक जैसा आता है और ये बहुत अच्छा है जो बॉर्डर इसमें लुक दे रहा है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। तो यही बॉर्डर जब हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर है जो हमने यहाँ पे घर बंद कर देने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा घेरा, जितना आपको घेरा चाहिए उतना आपको बनाइए। आपको सिर्फ इसमें मैं शॉर्ट रोज बताऊँगी कि शॉर्ट रोज कैसे बनती है, बाकी तो बिल्कुल प्लेन बनाएगी। और ये जो इसके ऊपर फिर मैंने बाद में बॉडी के लिए फंदे उठाए हैं, फिर ये कमर का पोर्शन बनाया है बॉर्डर से, और फिर जैसे सेम हम कार्डिगन बनाते हैं वैसे ही ये है जो कार्डिगन बिल्कुल प्लेन बनाया मैंने ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया कमर का पोर्शन। फिर है जो 1 इंच बनाने के बाद मैंने दी है इसमें आर्म होल की कटिंग, वही 3, 2, 1 करके, और फिर है जो यहाँ बना के फिर मैंने ये जब 4 इंच हो गया तो फिर मैंने गले की शेप दे दी, राउंड गले की शेप, और फिर
राउंड गले की शेप के बाद है जो मैंने 4 इंच और बनाया, तो ये 8 साढ़े 8 इंच की मैंने है जो इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली। और इसी तरह से है जो ये वाला पोर्शन भी मैंने बनाया, और इसमें मैंने एक साइड से काज रखे और पट्टी रखी दोनों साइड, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो एक साथ बना है। मैंने राउंड नीडल्स में बनाया ये वाला पोर्शन, फिर मैंने अलग अलग कर दिए तीनों पार्ट, क्योंकि इसमें है जो मैंने आर्म होल की कटिंग देनी थी और इसमें गला बनाना था, फिर अलग अलग करके है जो फिर मैंने बाजू सेम पल्ले की तरह मैंने बाजू बनाई है। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले आप घर लगा लीजिए जितना लंबा आपको, ये मैंने 9 नंबर की सिलाई में बनाया, 9 नंबर की सिलाई में 3 प्लाई की वूल में। इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए फ्रेंड, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 28 इंच यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये देखिए इसकी टोटल लंबाई 28 इंच है, और इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये है 10 साढ़े 10 इंच टोटल मैंने ऊपर को बनाया। तो इसकी टोटल लंबाई हो चुकी है 38 इंच। देखिए तो इस तरह से आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें फंदे डालिए। मैंने इसमें 82 फंदे रखे हैं और लूज हाथ से मैंने इसको बनाया है। तो 9 नंबर की मैंने सिलाई में बनाया है। आप यदि इसको मोटी सिलाई में बना रहे हैं, मोटी वूल में बना रहे हैं, तो घर थोड़े कम रखिए तो, और यदि आप इसमें है जो पतली वूल में बना रहे हैं तो आप 100 फंदे तक इसमें रख सकते हैं, 100 फंदे। तो आप जितना लंबा आपको ये पोर्शन चाहिए उतने बड़े आप घर रखिए इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आप फंदे डालिए, फंदे डालने के बाद 10, 20, 30 रोज़ आप बना लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। 10, 20, 30, 30 रोज़ बनाने के बाद फिर है जो मैं आपको शॉर्ट रोज़ बताती हूँ कि कैसे हमने ये शुरू करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं है जो शॉर्ट रोज़ बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि शॉर्ट रोज़ कैसे बनती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये शॉर्ट रोज़, जैसे कि ये पूरी एक लाइन बना दी, दूसरी तरफ से बुनते हुए गई, जब तीसरी लाइन यहाँ पे आती है तो हमने 6 घर छोड़ देने। ये देखिए, जब मैं एक लाइन पहले सीधी लाइन जो मैंने शुरू की ये पूरी बनाई, फिर उल्टी तरफ से सीधा सीधा बुना, फिर जब तीसरी सिलाई यहाँ से आई तो 2, 4, 6 घर मैंने यहाँ पे ये अनबुने रख दिए, यानी कि हमें यहीं से ही वापस मुड़ जाना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट रोज़। आप 6 घर 8 घर जितने भी घर आप रखना चाहते हैं, जितना अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप कम घर रखिए, यदि कम घेरा चाहिए तो आप थोड़ा 10 घर तक भी रख सकते हैं। अब हमने है जो वापस मुड़ना है, वापस किस तरह से मुड़ना, जैसे यहाँ से यहीं से वापस इस तरह से ऐसे इस घर को आप ऐसे ही उठाइए बिन बुने, और नेक्स्ट घर को इस तरह से, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ये वाले घर को, जैसे ये वाला घर है ना, इसको बिन बुने ऐसे उतार लीजिए इधर से, और फिर जब हम यहाँ से बुनेंगे तो इस घर को ऐसे बुनते हुए जाइए, ऐसे ऐसे। देखिए यहीं से हमने वापस मुड़ जाना है, फिर हमने दूसरी तरफ से जब हम आएंगे फिर हमने 6 घर फिर ड्रॉप करने हैं यहाँ से, 2, 4, 6 घर, फिर हमने यहीं से वापस मुड़ जाना, फिर नेक्स्ट में फिर 6 घर ड्रॉप करके फिर वहीं से वापस मुड़ जाना। अगली बार अभी हमने 6 घर ये नहीं बुने, नेक्स्ट में हमने ये घर नहीं बनाने हैं। तो इसको बोलते इस तरह से हमने शॉर्ट रोज़ कंप्लीट करनी है। तो ये मैं नेक्स्ट लाइन में आती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अब हम पहले हमने छोड़े थे 6 घर, अब हमने छोड़ने हैं 12 घर। 12 घर छोड़ने के लिए देखिए 2, 4, 6 जो ये छठा घर है, देखिए जो ये 6th घर है, इसको हमने ऐसे उठाया और ऐसे पलट दिया। देखिए फिर क्या है कि यहाँ पे है जो जाली नहीं पड़ती, अब हमने इसको ऐसे बनाते हुए चले गए। देखिए ऐसे इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसी तरह से सारी शॉर्ट रो जैसे जैसे है जो आगे ये बनता जाएगा, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ से ये इधर इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी है जो इस रग का ऑलमोस्ट घेरा कंप्लीट होने वाला है। देखिए आपने जितना मर्जी आपने घेरा रखना, आप उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। मेरा है जो 65 इंच के आसपास ये ऑलरेडी हो चुका है, और 5 इंच में और बनाऊँगी क्योंकि मेरी एक ये पत्ती बननी है।
तो 70-72 के आसपास मेरा जो इसका टोटल घेरा हो जाएगा। तो यदि आप और चौड़ा इसको रखना चाहते हैं तो ये पत्तियाँ आप बढ़ा दीजिए। जो ये शॉर्ट रोज़ वाली है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें कितनी रखी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 मेरी इसमें ऑलरेडी डल चुकी है, 7 में है जो ये 65 इंच कंप्लीट आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें एक पत्ती और रखूँ, तो एक पत्ती की ऑलमोस्ट है जो इसकी चौड़ाई, ये देखिए 5 इंच के आसपास है। तो मैं एक पत्ती और बनाती हूँ, और पत्ती के बाद फिर है जो ये उल्टी उल्टी 10 सिलाई, फिर सीधी सीधी 10 सिलाई, तो 5 से 7, यानी कि मेरा टोटल 6-7 इंच और बनेगा। तो मेरा है जो टोटल कितनी चौड़ाई बनती है फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आप ये अपना घेरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं इसका बॉडी पोर्शन आपको बताऊँगी कि वो हमने कैसे बनाना है। शॉर्ट ट्रोज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ। एक सिलाई आप इसको कंप्लीट करते हुए उधर जाइए, फिर है जो नेक्स्ट सिलाई में आपने 5-5 फंदे हर एक सिलाई में छोड़ते जाना है। जैसे यहाँ 5 छोड़े, फिर दूसरी में 5, फिर 5, 5, 5, 5 फंदे है जो हर सिलाई में छोड़ते जाना है, यानी कि 5 घर हमने नहीं बनाने हैं। शुरू के 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से है जो हमारा ये वाला घेरा कंप्लीट होता है। और फिर जो लास्ट में जब हमारे घर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमने दोबारा से यहाँ से शुरू करना है, ये उल्टा उल्टा बुनना, फिर है जो 10 सीधी सीधी, फिर 10 उल्टी उल्टी, फिर दोबारा से फिर शॉर्ट रोज वाली सिलाई शुरू होती है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए इसका घेरा, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी बॉडी पोर्शन है जो हम कैसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो आगे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा है जो ये वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद जब हम फोल्ड करेंगे इसको तो ये इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे। और ये देखिए मैं बाजू भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक जो ये बाजू है ये मैंने सेम पैटर्न में बनाई है जैसे कि मैंने ये वाला पोर्शन इसका बनाया है। देखिए खोल खोल के मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये भी मैंने शॉर्ट रोज में बनाई है, और इसमें मैंने 3 लीव्स बनाई है, ऐसे 1, 2, 3। मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट रोज बता चुकी हूँ कि हर 5 घर के बाद जब हमने यहाँ से जैसे कि मैंने पहली लीव्स बनाई है, ये यहाँ पहुँचे, यहीं से वापस इस तरह से हर 5, 5, 5, 5 फंदे छोड़ते गए और यहाँ तक। तो इस तरह से शॉर्ट रोज बनती हैं। तो यदि आप फ्लेयर वाली बाजू नहीं बनाना चाहते जिस तरह से मैंने ये बनाई है, तो आप सिंपल बाजू भी बना सकते हैं जैसे कि हम कार्डिगन में बाजू बनाते हैं। ये वाली बाजू बनाई है मैंने मोड़े तक की लंबाई, यानी कि ये है मेरी 16 इंच के आसपास। ये देखिए ये ऐसे लगेगी इस तरह से, ये इस तरह से है जो मेरी बाजू आएगी। अब है जो मैं इसका अपर पोर्शन बनाऊंगी और इसका भी, इसको मैं या तो रेंगले कटिंग में बनाऊंगी या फिर देखती हूँ दूसरे स्टाइल में बनाऊँ, तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाऊँगी, क्योंकि इसकी लंबाई मोड़े तक कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है जो कमर तक कंप्लीट हो चुकी है, इसके ऊपर मैं इसका बॉडी पोर्शन बनाऊँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इसमें है जो फंदे किस तरह से लगाने चाहिए, बाजू में मैंने कितने फंदे लगाए हैं और कैसे हमें फंदे लगाने चाहिए। तो जैसे कि मैंने इसमें रखे थे 120 घर, और बाजू में मैंने रखे हैं 80 फंदे, 82 फंदे मैंने इसमें बाजू में रखे हैं। सिर्फ बाजू जब हम फंदे रखते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में, तो हमें फंदे है जो, क्योंकि हमें फंदे हैं इस तरह से डालने हैं ऐसे, क्योंकि अड्डे में बनता है, नहीं तो हम ऐसे को डालते हैं फंदे नीचे से ऊपर को, इसमें फंदे ऐसे डालते हैं। तो जब हम ये फंदे रखते हैं तो बिल्कुल सिंपल फंदे रखिए, और लूज हाथ से फंदे रखने होते, ताकि है जो ये टाइट फंदे जब हम रखते हैं बॉर्डर में, जो हम कार्डिगन बनाते हैं स्वेटर बनाते हैं उसमें हम टाइट फंदे रखते हैं, यहाँ पे इसमें लूज फंदे रखेंगे, हल्के हाथ से फंदे रखेंगे, और जब बाइंड ऑफ करेंगे तो भी हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि जब ये स्टिच होगा तो दोनों इक्वल आना चाहिए इस तरह से ऐसे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें फंदे है जो इसमें कैसे रखने चाहिए, और मैंने इसमें 80 फंदे रखे हैं, 82 फंदे रखे हैं बाजू में, और पल्ले में है जो मेरे 120 फंदे। जितनी लंबाई हमें कमर तक चाहिए उतने ज़्यादा फंदे आप इसमें रख सकते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंगल धागा रखना है इतना लंबा जितने कि हमारे फंदे आ जाए। देखिए ऐसे ये बन गया हमारा एक फंदा, ऐसे नॉट लग गई। अब हमें जो सिंपल फंदे इस तरह से ऐसे
1 2 3 और हल्के हाथ लूज हाथ से हमें बनाने हैं, 4 5 और 6। इस तरह से हल्के हाथ से आप फंदे इसमें रखिए, बहुत हमें टाइट नहीं करने हैं फंदे, बस इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि हमें जो स्टिच करनी होती है तो फिर जब हम बाइंड ऑफ भी इसी तरह से करने हैं, बाइंड ऑफ भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हमें बनाना है। तो बाजू को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि हमें कैसे बाजू बनानी है और कैसे हमने ये घेरा बनाया है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हमने घेरा बनाया। पहले ये हमने थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे हमने ये घेरा बनाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 4 सिलाइयाँ लगाई, फिर है जो ये 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, फिर 10 सीधी, फिर 10 उल्टी, और फिर है जो ये 40 रोज़ शॉर्ट रोज़ मैंने बनाई। फिर सेम पैटर्न रिपीट होता गया, फिर सेम 10 सिलाई उल्टी, 10 सीधी, 10 उल्टी, फिर शॉर्ट रोज़। इसी तरह से जो मैंने बाजू में किया है, देखिए इसमें मैंने 10 की जगह 8 सिलाइयाँ मैंने ये उल्टी रखी है, 8 उल्टी, 8 सीधी, 8 उल्टी, और ये कोई 28-30 के आसपास ये रोज़ आई है मेरी शॉर्ट रोज़। ये मैंने काउंट नहीं की इतनी, ऑलमोस्ट आई, क्योंकि 80 फंदे में मैंने 5 घर के बाद है जो वापिस होना था, फिर 5 5 5 घर के बाद वापिस होते हुए ये मैंने शॉर्ट रोज़ में ये पत्ती बनाई है। फिर 8 सिलाई, फिर 8 सिलाई, फिर 8 सिलाई, 8 उल्टी, 8 सीधी, 8 उल्टी, फिर शॉर्ट रोज़। इस तरह से जो मैंने 3 लीव्स बनाई। यदि आप और इसको घेरा बनाना चाहते हैं और फ्लेयर चाहते हैं अपनी बाजू में, तो आप 4 बनाइए, फिर भी आपकी है जो बाजू इस तरह से काफ़ी लूज आ जाएगी और ऐसे ये दिखेगी बाजू। तो आप जितना घेरा रखना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से है जो 80-82 फंदे लगाने के बाद, फिर हमने ये जो बॉर्डर पोर्शन रखना है, बॉर्डर जो ये वाला पार्ट है, ये मैंने 10 घर का रखा है। पहला एस स्टिच, 2 घर उल्टे, 1 घर सीधा, फिर 3 घर उल्टे, 1 घर सीधा, 3 घर उल्टे, 1 घर सीधा। इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये बॉर्डर है जो कैसे बनता है, और बहुत अच्छा आता है ये बॉर्डर के रूप में। तो ये बाजू में आगे आपको बहुत ही अच्छा, जब ये स्टिच करूँगी मैं तो आगे आपको दिखाऊँगी कि कैसे लगता है। जिसका जो मैं बॉडी पोर्शन है, जब मैं अपर पोर्शन बनाऊँगी तो इसी डिजाइन में, इसी बुनती में आगे बनाऊँगी। तो बाजू को के बारे में बस इतना ही बताना था कि इसके फंदे हल्के हाथ से लगाइए और इसको ऐसे ही स्टिच करते हुए कंप्लीट करते जाइए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसका बॉडी पोर्शन, कैसे हमने घर उठाने हैं, कैसे इसका प्रोपोर्शन हम बनाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं, इसका घेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरी बाजू कंप्लीट हो चुकी, तो अब हम इसका बॉडी पोर्शन बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर का भाग बनाएंगे, तो ये है जो कमर तक की लंबाई कंप्लीट। अब हम मैं इसमें फंदे उठाऊंगी कि फंदे हमें किस तरह से उठाने चाहिए। ये मैंने डबल किया है। अब जितने हमारे कार्डिगन में, यानी कि जितने हम कोटी में हमारे फंदे होते हैं, जैसे हम 100 100 या आगे 60 60, पीछे 100 फंदे हम लगाते हैं, उसी तरह से कमर के पास आपको कितने फंदे चाहिए, कितनी आपको कमर चाहिए, उस हिसाब से फंदे उठाने चाहिए। तो देखिए इसकी जो यहाँ कमर के पास इसकी जो इस टाइम है जो चौड़ाई है 20 इंच, यानी कि 40 इंच के आसपास है। तब है जो मैं इसको, मुझे चाहिए ये 36, यानी कि मुझे इतना 18 18 इंच करना है दोनों तरफ से। तो मुझे कितने फंदे उठाने, मैं उठाऊंगी इसमें 90 90 फंदे, 90 इधर से 90 इधर से, देखिए ऐसे 180 फंदे टोटल मैं इसमें उठाऊंगी, जितने हम है जो लेडीज़ कार्डिगन, क्योंकि एम साइज़ का है तो मैं इसमें 90 फंदे उठाऊंगी, क्योंकि मैं ये 9 नंबर में बना रही हूँ, तो 9 नंबर मोटी सिलाई होती है। यदि आप 10 नंबर में बना रहे हैं तो आप 100 100 फंदे उठा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से फंदे उठाने, ये है सीधी तरफ, ये है इसकी उल्टी तरफ, ये दोनों एक जैसा आता है दोनों तरफ को, आप जो मर्जी सीधा उल्टा रख सकते हैं। तो ये है जो मेरी पट्टी के हो जाएंगे इस तरह से, देखिए क्योंकि नीचे से ऊपर तक फ्रंट ओपन है, तो ये पट्टी, तो मैं यहाँ से जो फंदे उठाने शुरू करूँगी। हर चेन के ऊपर से आपको एक एक फंदा उठाना है, जैसे ये थ्रेड है इसमें, इसी से मैं शुरू करती हूँ, ऐसे 1 2 3 4, इस तरह से है जो हमें फंदे उठाने हैं। ये थ्रेड भी मैं इसी में ही जोड़ देती हूँ, पांच, छ, सात, आठ, इस तरह से है जो हमें फंदे उठाते हुए जाना है। यहाँ
आधे तक मेरे 90 फंदे आने चाहिए और आधे है जो मैं 90 यहाँ तक उठा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड जी, मैं फंदे है जो आधे तक उठा चुकी हूँ, यहाँ तक मेरे आए हैं 75 फंदे अभी। अभी जब मैं नेक्स्ट लाइन बुनूंगी तो मैं इसमें एक एक फंदा बीच में बढ़ाते हुए जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए है 90 फंदे ऑलमोस्ट, तो मुझे 90 फंदे करने हैं। अभी मैं एक एक चेन के ऊपर से उठा रही हूँ तो 75 फंदे हो गए हैं, तो मैं दूसरी सिलाई में जो बीच बीच में एक घर बढ़ा दूंगी, क्योंकि हमें घर अपने कंप्लीट करने हैं। कमर के पास आप घर कम भी रख सकते हैं, फिर जब कमर की हमारी चौड़ाई 3-4 इंच बुनने के बाद आप एक बीच बीच में 4-5 फंदे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कमर के पास हमें फिटिंग चाहिए होती स्वेटर में भी, तो आप इसमें अगर नहीं भी बढ़ाना चाहो यानी कि 85-85 फंदे भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ऊपर आप जब आप इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे उससे 4 इंच पहले से आप एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाइए तो अच्छी सी शेप भी आ जाएगी। तो इसमें है जो मैं पहले कमर का पोर्शन कंप्लीट करूँगी, कमर के पोर्शन के लिए मैं सेम पैटर्न यही वाला पैटर्न डालूँगी, तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मेरा है जो कमर का पोर्शन कैसे बना है। तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम है जो मोड़े के ऊपर का पार्ट बना रहे हैं, तो मोड़े के ऊपर पार्ट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था इसके भाग करने हमने 3, 2 होंगे हमारे फ्रंट पोर्शन, ये देखिए एक ये और एक ये। इसमें है जो हमने बॉर्डर की पट्टी यानी कि साइड में जो पट्टी होती है कार्डिगन में, ये हमने ज़रूर रखनी है 10-12 फंदे की, जितने फंदे की आप रखना चाहें। और बाकी मैंने 47 फंदे यहाँ रखे हैं, 47 फंदे मैंने यहाँ पर रखे हैं और 95 फंदे मेरे है जो इधर है बैक साइड में। ये देखिए बैक साइड मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है और मैं ये साइड के पार्ट बना रही हूँ। ये है जो मेरी यहाँ से ये मेरा कमर का पोर्शन और 1 इंच मैंने यहाँ ऊपर बना के और ये मैंने 4 इंच बना के अब मैंने यहाँ पे गले की शेप देनी है। गला मेरा गोल बनेगा, तो गोल गला मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे बनता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो पट्टी के फंदे हैं मेरे, ये मैं रख दूँगी पिन में, फिर मैं घटाऊँगी 5 एक सिलाई में, फिर दूसरी में 4, फिर 3, फिर 2, 2, फिर जितने फंदे मैंने इसमें 20 फंदे रखने, तो 20 फंदे होने तक है जो मैंने इसमें 2, 2 या एक एक फंदा घटाते हुए जाना, जब तक कि मेरे इसमें 20 फंदे ना रह जाए। और जो मेरी इस मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग की है, ये देखिए इसमें मैंने 3 फंदे यहाँ घटाए, 3, 2, और यहाँ पर भी मैंने 3 और 2 फंदे घटाए हैं, 3 और 2 और 2, 3 एक बार, फिर 2, इधर भी इसी तरह से 3, 2, 2 मैंने यहाँ पे फंदे कटाए हैं। बाकी बिल्कुल प्लेन बनाया है, बैक पोर्शन बिल्कुल प्लेन बना है और जो हमारे साइड के पोर्शन है इसमें सिर्फ पट्टी हमें रखनी है और एक साइड आप काज डालना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ इस तरफ से काज। देखिए ये मेरा एक काज यहाँ पे बन गया है और एक काज यहाँ पे बन गया है। यदि आप बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा, मैं इसमें छोटे काज बना रही हूँ, जो मीडियम साइज़ के बटन इसमें मैं लगाऊंगी तो इसके ऊपर है जो मेरी काज की पट्टी ये वाली आएगी। और ये हमने 8.5-9 इंच तक हमने लॉन्ग बनाना है, फिर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने है जो शोल्डर बंद करके इसमें बाजुएं जोड़नी है, तो आगे फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी जब ये तैयार हो जाएगा कि इसमें है जो गला जुड़ के बाजुएं हमें कैसे जोड़ूंगी, फिर नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊंगी कि बाजू हमने किस तरह से इसमें जोड़नी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है गले तक। अब मैंने यहाँ से है जो इसमें गोल गले की शेप दे दी है। गोल गले की शेप के लिए है जो मैंने यहाँ पे पहले ये पट्टी के घर बंद किए, फिर नेक्स्ट सिलाई में मैंने 5 फंदे कम किए, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुन के फिर सीधी में 4, फिर 3, फिर 2, 2 करके मैंने यहाँ पर जब तक कि 25 फंदे मेरे पास नहीं बचे तब तक मैंने इसमें गोल गले की शेप इस तरह से दी है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने जो है राउंड गले की शेप दी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये फंदे बंद कर देने हैं इस तरह से, हल्के हाथों से हमें फंदे बंद करने इस तरह से। एक जो उल्टी दिख रही है उसको हमें उल्टी साइड से बंद करना है, जो सीधा दिख रहा है उसको हमने सीधी तरफ से बंद करना है। आपको इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। अब जैसे ये सीधा घर आया तो धागा पीछे करके इसको हम ऐसे बंद करेंगे, फिर उल्टा आया तो उल्टी तरफ से आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं इस तरह से, ये इसके ऊपर डाला और ये इस तरह से। जैसे इसमें 3 घर उल्टे आते हैं तो 3 घर इस तरह से, ये सीधा घर है तो पीछे है जो धागा करके इस तरह से हमें बंद
करना है। देखिए ये उल्टा है तो हम इसको इस तरह से लूज हाथ से आप इनको घर को बंद कीजिए, और जब हम इसमें घर उठाएंगे गोल गले के लिए तो आप पट्टी को छोड़ के भी घर उठा सकते हैं या फिर पट्टी समेत भी गला बनाएंगे। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें इसके बाद पांच घर घटाने हैं जब उल्टी सिलाई उल्टी बुन के ये सीधी कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में जब हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं तो ये लास्ट वाला फंदा हमें उतारना है, यानी कि हमें ये बिना बुने ही उतारना है। अब हम जब घर बंद करेंगे इसको ऐसे, नेक्स्ट फंदे को इसको ऐसे, इस तरह से हमारी स्मूथ शेप आती है बंद करने की। ये देखिए अब हमने है जो पांच फंदे बंद करने हैं, ये दो हो गए, ये तीन, और ये चार, और ये पांच। अब हमने है जो नेक्स्ट सिलाई, ये सिलाई सीधी बुननी है, फिर नेक्स्ट उल्टी, फिर इसके बाद चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इस तरह से घटाते हुए हमने इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये बाजू बनके तैयार हो चुकी है। ये बाजू मैंने कैसे बनाई है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट रोज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बाजू है जो कैसे बनती है। और इसके बाद है जो यहाँ पे घर उठाने हैं हमने 80 घर। ये देखिए मैंने यहाँ पे उठाए 80 फंदे और फिर बनाया मैंने बॉर्डर की तरह, जैसे ये बॉर्डर दो घर उल्टे घर सीधे, तीन घर उल्टे घर सीधे का ये थोड़ा सा बॉर्डर, और उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन, और एक एक घर मैं यहाँ से बढ़ाती गई और 86 फंदे मेरे यहाँ टोटल हो गए। और फिर है जो मैंने तीन दो 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 करके इसकी काट कर दी, तो ये है जो मेरी एक बाजू हो चुकी है कम्प्लीट, और ये इस तरह से आएगी। देखिए ऐसे, और ऐसे हमने स्टिच कर देनी इधर, इस तरह से स्टिच हो जाएगी। और ये शोल्डर आपस में मैं इसको जोड़ दूंगी। देखिए मैंने पीछे के पल्ले की भी कटिंग कर दी है, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये वीडियो बनी हुई है कि बैक पार्ट का पोर्शन की कटिंग हमें गले की किस तरह से करनी चाहिए। बीच में मैंने जो यहाँ पर 25 फंदे रखे, फिर है जो ये हमें टोटल 25 चाहिए थे तो यहाँ पे 30 फंदे थे, तो मैंने दो दो एक एक करके घर घटाया इधर और इधर दोनों तरफ से। और ये गले की कटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने ये आपस में ये जोड़ने और बाजू जोड़नी है, फिर मैं आगे आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि ये है जो किस तरह से तैयार हो गया है मेरा ये कार्डिगन। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ और ये बाजू एक मेरी बची है इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसमें फंदे हमने किस तरह से उठाने हैं। देखिए ये देखिए मैं फंदे उठा रही हूँ बाजू के ऊपर से, इस तरह से उल्टी तरफ से मैं उठा रही हूँ, तो इस तरह से आप फंदे उठाइए जैसे हम गले के लिए उठाते हैं। देखिए इस तरह से इकट्ठे इकट्ठे आपको फंदे उठाने हैं ऐसे। यदि एक सिलाई में देखिए इस तरह से हमें फंदे इसमें उठाने हैं। यदि एक सिलाई में पूरे फंदे नहीं उठते तो जब नेक्स्ट सिलाई हमारी आएगी उसमें हमें बीच बीच में फंदे अपने पूरे करने हैं। 80 फंदे हमने इसमें उठाने हैं, फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं 86 88, जितने फंदे आपके हो जाए मोड्डे तक उतने फंदे कर लीजिए। फिर मोड्डे की कटिंग करके फिर हम अपनी बाजू की लंबाई कम्प्लीट करके बस बाजू हमारी तैयार, और फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। फिर स्टिच करके मैं आगे आपको दिखाती हूँ मेरा ये कार्डिगन बनके कैसे तैयार हुआ है, और आगे मैं बताऊँगी इसका गला है जो हम कैसे बना रहे हैं गोल गले के लिए घर उठाऊँगी, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट मेरा श्रग। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मेरा गला कंप्लीट हो चुका है, मेरी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इसमें बटन लगा चुकी हूँ। इसमें चार बटन मैंने इसमें लगाए हैं, जो मैंने आपको बताया कि का जरूर बनाना ऊपर के पोर्शन में, बॉडी के पोर्शन में। तो बॉडी पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, बाजू भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, देखिए पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर आ गया है। मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि ये कैसे बनता है और पहन के ये कैसे लगता है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने आपको ढंग से बताया है या नहीं, आपको समझ आया या नहीं। और ये लॉन्ग श्रग बनाने में बहुत इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें 120 फंदे आप नीचे घेरे में मैंने रखे हैं, मैंने 85 बताया आपको, सॉरी, इसमें 120 फंदे मैंने घेरे में डाले, 82 फंदे मेरे हैं जो बाजू में डाले हैं।
तो आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट करें और इसको डिटेल में देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने है जो पूरी जानकारी आपको इशरक के बारे में दी है। और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर एक बार बताएं आपको समझ आया या नहीं आया, और मैंने कैसे बताया ज़रूर मुझे लिखें। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर का, जिसने है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यदि आप लोगों ने, किसी ने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, और आप भी बनाएं, और बनाने के बाद मुझे भी ज़रूर सेंड कीजिए कि आपने ये श्रग देखे है जो अपने लिए भी एक न्यू श्रग बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।